सभी को नमस्कार। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की, है ना। जो वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से निकाली थी, वैल्यू आई थी एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू वैल्यू थी समीशन एल इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, वैल्यू आ गई 2L+1 अपॉन वैल्यू आ गई के ई रेज टू पावर आयोटा डेल एल, वैल्यू आ गई साइन ऑफ डेल एल और वैल्यू आ गई पी एल और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा के बराबर, है ना। हमने कहा कि टोटल क्रॉस सेक्शन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है हमें डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, या हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा थीटा से। कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से। और टोटल क्रॉस सेक्शन यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम किससे निकालेंगे? इंटीग्रेशन आ गया, सिग्मा थीटा आ गया और डी ओमेगा। डी ओमेगा मीन्स मतलब कितना बना? जीरो से पाई, जीरो से वैल्यू आ गई 2π और वैल्यू आ गई सिग्मा थीटा और वैल्यू आ गई साइन थीटा डी थीटा और वैल्यू आ गई डी फाई। या इसको मैं क्या ले सकता हूँ? इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2π, जीरो से वैल्यू आ गई पाई, वैल्यू आ गई सिग्मा थीटा और वैल्यू आ गई कितना? साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा लिख दूँ या डी कोस ऑफ थीटा लिख दूँ, ठीक है। तो मैं कहूँ कि इस इक्वेशन की वैल्यू हम क्या करें, यहाँ से एफ थीटा की वैल्यू रखकर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना बनेगा? सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2π आ गया, मोड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर लिखना है हमें, है ना। तो हम वैल्यू लें समीशन आ गया एल इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, दूसरे नोटेशन में है ना। मोड ऑफ एफ थीटा मतलब कितना हुआ? एफ थीटा और एफ स्टार थीटा, है ना। तो वैल्यू कितनी बनी? वैल्यू आ गई, नया नोटेशन ले लिया हमने, एल डैश इक्वल्स टू जीरो टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, वैल्यू आ गई 2L+1 अपॉन के, दूसरी वैल्यू बन गई 2L+ वैल्यू आ गई 1 अपॉन के, ठीक है। ई रेस टू पावर वैल्यू आ गई आयोटा डेल एल और फिर वैल्यू कितनी बनी? ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल एल डैश, है ना। स्टार करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी, ठीक है। फिर वैल्यू आ गई साइन आ गया डेल एल आ गया और साइन आ गया और डेल एल डैश आ गया और इंटीग्रेशन आ गया कहाँ से कहाँ तक? जीरो से पाई तक। तो वैल्यू कितनी है? पी एल आ गया कोस ऑफ थीटा, वैल्यू आ गई पी एल डैश आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा या डी कोस ऑफ थीटा लिख देना, साइन थीटा और वैल्यू आ गई डी थीटा आ गया, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है ये प्रॉपर्टी है हमारे पास लेजेंडर पॉलीनोमियल की, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी आती है? जीरो से पाई पी एल कोस थीटा पी एल डैश कोस थीटा और वैल्यू आ गई डी कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आती है 2 अपॉन 2L+1 और वैल्यू आ गई डेल एल एल डैश। डेल एल एल डैश की वैल्यू 1 आएगी जब एल इक्वल्स टू एल डैश और इक्वल्स टू वैल्यू 0 आएगी कब? जब एल डज नॉट इक्वल्स टू एल डैश। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब एल इक्वल्स टू कितना हो? एल डैश हो, है ना। तो इस इक्वेशन में एल इक्वल्स टू एल डैश के लिए अगर मैं वैल्यू नहीं लिखना चाहूँ टोटल क्रॉस सेक्शन की, तो वैल्यू कितनी बनेगी? देखो सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना? 2π, फिर वैल्यू आ गई पहली टर्म आ गई समीशन आ गया, वैल्यू आ गई एल इक्वल्स टू जीरो टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। सिर्फ एक ही टर्म के लिए वैल्यू पॉसिबल है एल इक्वल्स टू एल डैश के लिए, है ना। तो सिर्फ 2π आ गया, फिर वैल्यू आ गई 2L+1 अपॉन ए वैल्यू आ गई के का स्क्वायर आ गया, एल इक्वल्स टू एल डैश पर दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। फिर वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई डेल एल और फिर ये वैल्यू कितनी बनी? ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन वैल्यू आ गई 2L+1, ठीक है। इसका मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4π अपॉन वैल्यू आ गई के स्क्वायर और फिर वैल्यू कितनी बनी? 4π अपॉन के स्क्वायर वैल्यू आ गई 2L+1 और इंटू वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर और वैल्यू आ गई डेल ऑफ एल। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसके लिए? टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो इसी टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए मैं कहूँ कि भाई अब वैल्यू डिफाइन करना चाहूँ, मैं वैल्यू डिफाइन करना चाहूँ, सपोज दैट ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ थीटा, है ना, एफ थीटा के लिए अगर मैं वैल्यू मेंशन करना चाहूँ, सपोज दैट मैं वैल्यू निकालना चाहूँ एफ थीटा इक्वल्स टू जीरो के लिए। थीटा इक्वल्स टू जीरो मतलब
इनिशियल डायरेक्शन में, है ना, इनिशियल डायरेक्शन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में कैलकुलेट करना चाहूँ तो वैल्यू आ गई हमारे पास, समीशन आ गया एल इक्वल्स टू जीरो टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, फिर वैल्यू आ गई टू एल प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई के, और फिर वैल्यू आ गई ई रेस्ट पावर आयोटा डेल एल आ गया, ई रेस्ट पावर आयोटा डेल एल आ गया, और वैल्यू आ गई साइन ऑफ डेल एल आ गया, पी एल को थीटा, थीटा इक्वल्स टू जीरो के लिए वैल्यू कितनी बनी पी एल आ गया वन, और लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एल एक्स या पी एल वन की वैल्यू कितनी होती है, वन के बराबर होती है। इसका मतलब एफ थीटा इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, समीशन आ गया एल इक्वल्स टू वैल्यू आ गई जीरो टू इन्फाइनाइट आ गया, या वैल्यू आ गई टू एल प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई के, और वैल्यू आ गई ये कितना बना कोस ऑफ डेल एल प्लस वैल्यू आ गई आयोटा साइन ऑफ डेल एल, और वैल्यू आ गई साइन ऑफ डेल एल आ गया। इसका मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, कौन सी इमेजनरी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, इसका मतलब इमेजनरी वैल्यू मतलब सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू, तो वैल्यू कितनी बनी समीशन आ गया वैल्यू आ गई एल इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, वैल्यू आ गई टू एल प्लस वन अपॉन वैल्यू आ गई के, और ये वैल्यू कितनी बनी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर आ गया, और वैल्यू आ गई डेल एल। तो देखो ये फैक्टर आ गया हमारे पास किसके लिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया, उसकी इमेजनरी कंपोनेंट आ गया थीटा इक्वल्स टू जीरो डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट आ गया हमारे पास, है ना, समीशन आ गया एल इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट आ गया, और वैल्यू कितना था टू पाई, ठीक है, यहाँ भी समीशन आ गया और एल इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट आ गया। तो देखो ये हमारे पास आ गया टोटल क्रॉस सेक्शन, और ये आ गया हमारे पास कितना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आ गई एफ थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा इक्वल्स टू जीरो मतलब कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जो भी इंसिडेंस के हमारे पास डायरेक्शन थी। देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपाइल करके एक साथ यदि हम मिला दें तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना बनेगा, देखो सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो फोर पाई अपॉन वैल्यू आ गई के, और वैल्यू आ गई समीशन आ गया एल इक्वल्स टू जीरो टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, और वैल्यू आ गई टू एल प्लस वन अपॉन वैल्यू आ गई के, और वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर डेल एल आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल एल, या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई फोर पाई अपॉन वैल्यू आ गई के, और ये कितना बना, ये वैल्यू आ गई इमेजनरी एफ थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास कहलाता है कौन सी थ्योरम, ये स्टेटमेंट कहलाती है हमारे पास ऑप्टिकल थ्योरम, ठीक है। तो ऑप्टिकल थ्योरम है वो बेसिकली हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्टिकल थ्योरम, या ऑप्टिकल थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऑप्टिकल थ्योरम है बेसिकली एक्सप्रेस करती है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये हमारे पास डिपेंड करती है। कैसे, हमने कहा कि भाई आप बिफोर द स्कैटरिंग, है ना, बिफोर द स्कैटरिंग हमने कहा कि पार्टिकल जो थे वो कौन से डायरेक्शन में थे, सपोज दैट जेड डायरेक्शन में थे, और स्कैटरिंग के बाद वो क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो गए, स्कैटर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू जीरो कौन सी डायरेक्शन होगी, इनिशियल डायरेक्शन होगी, है ना, थीटा इक्वल्स टू जीरो हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन होगी। इसका मतलब बिफोर स्कैटरिंग क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग थी, इन पार्टिकल्स के कोरस्पॉन्डिंग थी। आफ्टर द स्कैटरिंग यदि हम कैलकुलेट करें इनिशियल डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल या बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एंगल्स के ऊपर क्या हो गए हमारे पास, स्कैटर हो गए। तो इसका मतलब इन द इनिशियल डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू जीरो के डायरेक्शंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका वो हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब द एनर्जी विल ऑल्सो रिड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फॉर थीटा इक्वल्स टू जीरो, है ना। दिस फिनोमिना कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ऑप्टिकल थ्योरम, है ना। सीधी सी बात है कि सारे के सारे पार्टिकल सपोज दैट इस डायरेक्शन में पहले ट्रेवल कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गए, स्कैटर हो गए। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन द इनिशियल डायरेक्शन शुड गेट रिड्यूस्ड, सो द एनर्जी विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, है ना। ये फिनोमिना है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं किसे, ऑप्टिकल थ्योरम से। तो ऑप्टिकल थ्योरम कहलाती है टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इक्वल्स टू फोर पाई अपॉन के इमेजनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।